दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्लास्टर होने के बाद में यानी दीवार पर आपका सीमेंट प्लास्टर होने के बाद में वॉल पुट्टी जो है वो किस तरीके से की जाती है। इस पूरा वीडियो में यही हम जानेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन को दबा लीजिए आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, किसी एक छोटे टब में या बड़े बर्तन में एक थोड़ा पानी लेकर के और उसमें जो पुट्टी आपकी है, मतलब जो भी आपने पुट्टी मंगाई हुई है, तो उसको एक छोटे बर्तन में जो है वो उसका घोल बना लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको भी दिखा रहा हूँ। पूरा वीडियो में आप सुरक्षा करता आपको दिखाऊँगा। दोस्तों ये है जेके सीमेंट, जो कि सबसे अच्छी पुट्टी होती है। जेके सीमेंट नाम से जो पुट्टी होगी दोस्तों वो सबसे अच्छी पुट्टी होगी, जो कि मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ। ये 40 किलो का और 20 किलो का दोनों इसमें बैग आते हैं, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ले सकते हैं। एक बैग आपका कवर करेगा आपके 10x15 के एक रूम के दीवार दीवारों को जो है वो कवर कर लेगा, और लगभग अगर आप उसकी पूरी छत वगैरह सारी कुछ जो है होनी है तो आपको एक रूम में लगभग 2 से 2.5 आपके बैग जो है वो लग जाएंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रूम है। दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आपके जो दीवारें हैं, जब आपने प्लास्टर करा लिया है तो दीवारों पर बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही जब नमी आपकी ख़त्म हो जाए उसके बाद ही आपको जो पुट्टी है वो करनी है। अब पुट्टी करने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, पहले मैंने आपको बताया, कोई भी एक बड़ा बर्तन लेकर के उसमें थोड़ा पानी ले, और पानी लेने के बाद में दोस्तों आपको जो पुट्टी है आपकी उसको मिला करके कुछ इस तरीके का घोल जो है वो बना लेना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और कुछ इस तरीके से आपको पुट्टी जो है वो करते चले जाना है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल काम होता है पुट्टी करने का। तो ये आप खुद से अपने घर पर, अगर आपको मजदूर जो है वो नहीं मिल रहा है या मतलब आप करने वाला जो है वो नहीं मिल रहा है, तो इसको आप खुद से भी जो है कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैं यहाँ पर आपको वीडियो में जो है दिखा रहा हूँ, और आपको बताऊं कि जो ये 40 किलो का इसका बैग आता है जेके वॉल पुट्टी का, तो मुझे मैं अभी इसको मतलब परचेज़ किया, तो मुझे ये जो बॉक्स जो बैग पड़ा है ये 780 रुपये का पड़ा है। तो वो आप अपने पास से मार्केट से जो भी है वो रेट करके ले सकते हैं। बाकी इसके दोनों बैग आते हैं, एक जो 20 किलो का आपका बैग आता है, दूसरा आपका 40 किलो का बैग आता है, तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से आप जो है पुट्टी का बैग ले सकते हैं। अब देखिए पुट्टी किस तरीके से की जा रही है वो यहाँ पर पूरा आप देखेंगे, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ मैं वर्क को आपको दिखाऊंगा, और काफ़ी फिनिशिंग के साथ में इस वर्क को जो है वो किया जाएगा। आप यहाँ पर पूरा वर्क जो है वो देखेंगे, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहना, तभी दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलेगी किस तरीके से आपको कॉर्नर वगैरह को जो है वो कवर करना है। पुट्टी करने का काम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने का मकसद केवल यही है कि जो भाई मतलब सोचते हैं कि पुट्टी मतलब अगर उनको मजदूर वगैरह या काम करने वाला नहीं मिल रहा है तो वो खुद से भी जो है वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वैसे मेरा दिखाने का जो है मतलब है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें,